एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। तो परपेंडिकुलर लाइंस माने परपेंडिकुलर में जो है ना 90 डिग्री एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल है और ये लाइन जो अब बन गई है, अगर मैं इसे यहाँ से भी एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन जो बन गई है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। बस यही होती है परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये हमें चार पार्ट दिए, इनमें से परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल कौन कौन सी फॉर्म जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यस या नो में आंसर जो है लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ टेबल टॉप। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, मान लेते हैं ये जो है एक टेबल टॉप है। अब अपोजिट साइड्स तो हो जाएगा ये, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे ये वाला और ये वाला, ये वाला या ये वाला। एडजेसेंट साइड्स होती है साथ वाली साइड्स। कौन सी साथ वाली साइड्स? ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस वाली साइड के एडजेसेंट में है, ये वाली इस वाली के एडजेसेंट में, ये होगी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ टेबल टॉप। यहाँ पर 90 डिग्री तो फॉर्म हो ही रहा है, ये उल्टा एल है लेकिन यहाँ पर ही 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो ये 90 डिग्री जो है परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा यस। अब हम बी पार्ट देखते हैं, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस होती हैं कुछ इस टाइप की। अब ये तो पैरेलल लाइंस है, ये तो आगे कितना ही ले जाओ पीछे कितना ही ले आओ, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से अटैच ही नहीं होंगी, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो परपेंडिकुलर लाइंस तो फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो बी का आंसर है नो। अब हम सी पार्ट देखते हैं, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब यहाँ पर मैं लेटर एल को अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसका मतलब, इसका आंसर है यस, किसी भी तरह ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए, यहाँ पर कहीं से भी परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसका आंसर हमने यस लिख दिया। डी पार्ट में है द लेटर वी। लेटर वी होता है ऐसा। अब यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ से एक्सटेंड करूँ या यहाँ से एक्सटेंड करूँ, ये परपेंडिकुलर तो कभी भी जो है फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इस टाइप से हो रहा है और 90 डिग्री के लिए इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसका मतलब V जो है ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो D का आंसर होगा नो। तो ए पार्ट का आंसर है यस, बी का है नो, सी का है यस और डी का है नो। इसका मतलब चार पार्ट्स में से दो पार्ट्स जो है मॉडल है परपेंडिकुलर लाइन के और बाकी के दो जो है नहीं है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।